मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल की चौथी बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के बदलाव किया गया है। विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। आगर मालवा में लॉ कॉलेज खुलेगा। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि जिन गांवों में छोटी बसाहटों की आबादी 100 है, वहां भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्वालियर के मुरार में डीएलएड प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई। परीक्षा के दौरान जब फॉर्म और अनुक्रमांक पर फोटो मिसमैच हुआ तो केंद्र अध्यक्ष ने फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ लिया। घटना मुरार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 की है। मध्य प्रदेश के कद्दावर पूर्व मंत्री और भिंड की अटेर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रहे डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने बड़ा बयान दिया। वे चुनाव हारने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने अपने मीरा कॉलोनी स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। ये जोश भरते भरते उनके मुंह से निकल गया, कार्यकर्ताओं को किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे, किसी से नहीं डरना, कलम मत फंसाना, जो गुंडागर्दी करेगा तो दे लाठी कमर तुड़वा देंगे। उन्होंने कहा कि हम हारे हैं, सरकार नहीं हारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सीहोर के गणेश मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई की। इस दौरान उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या जाने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस दिन वहां पर सभी वीआईपी रहेंगे, इसलिए हर एक का वहां जाना संभव नहीं, इसलिए बाद में वहां जाऊंगा, मंदिर वहीं बनाएंगे नारे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मंदिर के लिए तो कांग्रेस ने जमीन भी तय कर दी थी। पोस्टर में जब नारा दिया गया था रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब न्यायालय के आदेश पर उस भूमि पर मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने ये भी सफाई दी कि कांग्रेस ने कभी भी अयोध्या जी राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। बीजेपी को मामले को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।